एकजुट हुए हैं रात के 12 बज रहे हैं। आज हमारे घर के सबसे छोटे सदस्य प्रीतु भरत का बर्थडे है। मेरी तरफ से उनके लिए एक शायरी, जरा गौर फरमाइएगा। इतनी सी दुआ कबूल हो जाए, इतनी सी मेरी दुआ कबूल हो जाए, तेरी हर दुआ कबूल हो जाए। तुझे मिले जन्मदिन पर लाखों खुशियाँ, और जो तुम चाहो रब से वो पल भर मंजूर हो जाए। ये लास्ट टाइम है, उसके बाद तुम मुझे फोकस अरे इधर उत्तर में, इधर व्यक्ति ने हुआ ठीक लगा, एकदम ठीक लगा है। इधर सब टिक्के लगाते रह गया, और इधर बच्चा पुत्रों केक का काम तमाम कर दिया। अब देखिए हर्ष प्रीतु को गिफ्ट देगा, ये देखिए। सो इतना मस्ती करने के बाद फिर मैं टाइम निकाल कर मेहंदी लगाई थोड़ा थोड़ा सा। कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल राजप्रिया। सो आज है 15 जून और आज है मेरा भाई का एंगेजमेंट, और साथ ही है छोटा भाई का बर्थडे जिसका हम लोगों ने सेलिब्रेट किया, और यहाँ हम रेडी हो रहे थे। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, मैं अपना पूरा फाइनल लुक आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, देख सकते हैं आप। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ, एंड प्लीज़ ब्लॉग को पूरा एंड तक देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा। सो उसके बाद स्टार्टिंग में थोड़ा होचपोच हो गया था, मैं रेडी जैसे ही मुझे अचानक भाभी को रेडी करने जाना पड़ा, तो मैं यहाँ पर निकल गई हूँ होटल की ओर। भाभी जो है वो होटल जैनेक्स में रुकी थी, तो मैं यहाँ पर आ गई और फटाफट इनको रेडी करूँगी। सबसे पहले छेका होता है लड़का का और लड़की का, तो यहाँ पर साड़ी पे रेडी करूँ, देन उसके बाद ड्रेस चेंज होगा एंगेजमेंट के लिए। तो चलिए अब चलते हैं, शिल्पा में रेडी हो गई हैं। भाभी कैसी लग रही है कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आपको सबसे मिलवाते हैं, चलिए। तो यहाँ पर मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ सबसे। तो ये है मेरा भाई, एंड ये है मेरी छोटी सी प्यारी सी बहन, और वहाँ पर अंकल थे वो भी भाई था, और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्यूट क्यूट बहन है, यहाँ पर सब ये भाई रहा, और सब कितना प्यारी लग रही हैं। देखिए मैं आपको पास लेके चलती हूँ, ये देखो कितनी प्यारी लग रही है सब। सो ये है भाभी दीदी, हाय। एंड यहाँ पर मैं अब आपको मिलवाती हूँ, ये मिस से जिसको आप लोग अच्छे तरीके से जानते ही होंगे, और गुनगुन बहुत प्यारी लग रही थी, मैं आपको आगे अच्छे से दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मिली मम्मी से, बगल में नानी जी है, और इसका एक बार हाय से मन नहीं भरा, इसलिए आप लोग को दिल से हाय कर रही है, आप लोग भी हाय कर देना। और यहाँ पर आप सबसे मिलो, ये भी भाई है, और ये रही गुनगुन, बहुत प्यारी लग रही है। आप लोग कॉमेंट में जरूर बताइएगा आपको कैसी लग रही है गुनगुन, 3 महीना की हो गई है। सोनी मौसी प्रणाम, हाय। मैं सबको अटेंशन दिला रही हूँ।
सो यहाँ पर छेका स्टार्ट हो गया है और इनसे मिलिए, ये है चाची, इनका बेटा का ही इंगेजमेंट है। तो चाची हाय, एंड उनको तो आप पहले के ब्लॉग्स में देखे ही होंगे, बगल में पंडित जी है। और फंक्शन में आते के साथ सबसे पहले हम लोग फुचका पे आतंक बोते हैं, इतना यम्मी फुचका था कि मैं आपको क्या बोलूँ, बहुत 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 ज़्यादा। तो देख सकते हैं सब टूट पड़े हैं फुचका पे, बहुत खाते हैं, दम भर खाते, जितने जब तक मन नहीं भर जाता तब तक खाते जाते हैं, खाते जाते हैं, बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर अभी ब्राइड का छेका स्टार्ट हो गया है, देख सकते हैं। हाय चाची, हाय, थैंक यू, बाय, हाय हाय, हाय हाय, हाय, बाय। ये कैसा हाय रहे हो? तो हाय हाय कर ली, हाय मामी जी, हाय हाय छोटकी जी, हाय बाय, हैप्पी बर्थडे, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। हाय जीजू, हाय। सो यहाँ पर मैं अपने पूरे फैमिली से हाय करके मिलवा दी हूँ और देख सकते हैं कि छेका यहाँ पर स्टार्ट है। आप कौन चप खाना है तुमको? वेली चप। वेली चप कैसा होता है? राउंड राउंड होता है। ओ हो, नरे हो, इसी का तो नाम है वेली चप, जो राउंड राउंड है, फोर राउंड। क्या है दी, ये क्या है? सुनो, मना है, मना है, ये बहन बहन का प्यार है। कैसा लगा ना भेली चप? नहीं माँ, ये नहीं है, वो ये तो पकौड़ी लग रहा, नहीं वो नहीं है, चप नहीं है, पनीर चप है, इसे पनीर भी नहीं दिखा। देखिए ना, नहीं 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 बापू बापू आ गया मारेंगे हनी चिली पटेटो है यार। अच्छा सुनो, हम लोग जो बोले ना वो बेनी जी है ही नहीं है, ये लोग सत्य बोल रहा है। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, ओ बाबा, ऐसे। हेलो प्यारी आंटी, हेलो जी, हाय, नमस्ते आंटी, नमस्ते आंटी। सो यहाँ पर ये आंटी भी YouTube पे वीडियोस बनाती हैं, तो आप लोग भी इनका चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत मज़ेदार मज़ेदार वीडियोस बनाती हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट छेका कंप्लीट हो चुका है, सो अब ये उठ के जा रही है, अब भाई का छेका होगा, देन उसके बाद फिर इंगेजमेंट होगा। तो यहाँ पर आप मिलिए राधा रानी से, जिनका डांस परफॉर्मेंस है वो भी मैं आपको दिखाऊँगी आगे चलते चलते। सो यहाँ पर अब मैं जा रही हूँ ऊपर भाई के बगल में बैठने के लिए, हम और बिन्नी दी एक लेफ्ट साइड बैठेंगे, एक राइट साइड बैठेंगे, देन उसके बाद जब बैठ जाते हैं उसके बाद हम लोग इतना ज़्यादा मस्ती करते हैं, आप लोग आगे देखना, आप लोगों को बहुत ज़्यादा हंसी आएगा, हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। एंड साथ ही में ऐसा कुछ आप लोग पहली बार देखोगे कि कभी कोई किया नहीं है, बट रैंडम होता है ना कि वैसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है और चीज़ें होते जाती, वैसा ही कुछ हुआ है। तो आप लोग आगे आगे देखो, आप लोग को बहुत मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा। तो अब मैं यहाँ पर आराम से आकर बैठ गई हूँ, एंड अब देखो सब स्टार्ट हो रहा है। सो यहाँ पर छेका स्टार्ट हो गया है, देख सकते हैं टीका वगैरह लगाया गया, मंत्र वगैरह पढ़ा जा रहा है, एंड हम लोग भी कंफर्ट जोन में बैठ चुके हैं मस्ती करने के लिए। और ये सब जो आप मिठाई, साड़ी, ड्रेस वगैरह, पर्स वगैरह देख रहे हैं, ये सब लड़की को चढ़ाया गया था। एंड इधर आप जो देख रहे हैं ये सारा फैमिली एकदम क्लोज फैमिली है, कोई भी अननोन नहीं है, क्योंकि ये जो फंक्शन हुआ था ना ये क्लोज फैमिली से हुआ था, बाहर के लोगों को इन्वाइट नहीं किया गया था क्योंकि शादी भी यहीं जम्मू बिहार से होगा इसलिए। और ये जो फंक्शन हुआ था ये शिल्पा से हुआ था, क्योंकि
शिल्पा हम लोग के घर के पास पड़ता है, इसलिए हम लोग का सारा फंक्शन वगैरह शिल्पा से ही होता है। और देख सकते हैं मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ, आपको शिल्पा घुमा रही हूँ, एंड साथ में इधर हाइटी वगैरह है, उधर भी है सब। और इतने कम लोग हैं इसलिए आपको इतने अच्छे से दिख भी पा रहा है, जब शादी वादी में ना मतलब एक जगह भी खाली नहीं दिखता है। और अब यहाँ पर देखिए कि सारा जो भी बीत होता है वो सब हो गया है, अब आशीर्वाद दिया जा रहा है। यहाँ पर सबसे पहले जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो सब आशीर्वाद देंगे, जेंट्स लोग फिर लेडीज़ लोग। तो चलिए इंजॉय कीजिए। Thank you.
पेटीएम नंबर बोल भेज दे। तो ये व्लॉग इतना ही, मैं इसके बाद पार्ट टू आएगा, उसमें आप पूरा एंगेजमेंट का वीडियो देखेंगे, डांस देखेंगे और बहुत सारा मस्ती देखेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही पार्ट टू डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन चले जाए। तो मिलते हैं पार्ट टू में।